मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ना ना शायद कहावत गलत है ये, सीएससी के हसीन सपने, क्योंकि हसीन सपने तो आजकल सिर्फ सीएससी ही दिखा रहा है। इतने सारे सपने दिखा रहा है कि वीएली भाइयों को लगता है कि बस अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। कैसे जानते हैं इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। बड़े बड़े वादे तो पॉलिटिशियंस भी करते हैं और सीएससी भी। आम भारतीय नागरिक जो गांवों में कस्बों में रहते हैं उनसे सीएससी काफ़ी वादे करते हैं, उनको सपने दिखाता है सीएससी, लेकिन होता क्या है। आज हम बात करने वाले हैं सीएससी ने जो कैडेट की नियुक्ति के बारे में बात की है उसके बारे में। कहा है कि गांवों में कस्बों में 20 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा इस कैडेट की नियुक्ति के ज़रिए। लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कैडेट की नियुक्ति क्या होने वाली है, कैसे होने वाली है और ये काम कैसे करेगा। लेकिन इससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सीएससी ने एक सुविधा दी थी डिलीवरी की, जहाँ पे सामानों को डिलीवर करना रहता था, वहाँ पे वीएलई को मिल रहे थे 15 रुपये पर डिलीवरी। अमूमन इस तरह की डिलीवरी 20-25 रुपये या फिर 45 रुपये पर डिलीवरी के भी मिलते हैं लोगों को। आप देखते हैं कि नॉर्मली हर एक जो सर्वे होता है उसके लिए नॉर्मल लोगों को, यानी जो सीएससी से जुड़े नहीं होते हैं, उनको मिलता है करीबन 40 से 45 रुपये एक सर्वे करने का। लेकिन सीएससी ने जो सर्वे कराया उसमें दिया 10 रुपये, 16 रुपये, 20 रुपये। तो एक तरफ तो सीएससी ये कहता है कि वो आत्मनिर्भर भारत बनाने चला है, वो ये कहता है कि वो गांव में कस्बों में एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, लोगों को एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बनाएगा। लेकिन जो कॉस्टिंग देता है सीएससी, यानी जो भुगतान करता है पैसों का, वो कुछ ऐसा रहता है कि उस पैसे से आप ना तो घर चला सकते हैं और ना ही कोई भी इंसान उससे सही तरीके से गुजर बसर कर सकेगा। अब जब हम लोग सीएससी कैडेट की बात कर रहे हैं, इसमें काम क्या क्या होगा ये तो बता दिया है सीएससी ने और आपको नियुक्ति भी करनी है लोगों की, लेकिन ना तो आपको इस नियुक्ति के बदले कुछ मिलेगा और ना ही आपको कोई फिक्स्ड सैलरी जैसा कुछ कैडेट्स को मिलेगा। अब फिक्स्ड सैलरी नहीं मिल रही है तो ये कैडेट्स कहीं ना कहीं दूसरा रोज़गार ढूंढेंगे, अपने हिसाब से कहीं ना कहीं काम करेंगे। लेकिन सीएससी कहता है हम 20 लाख लोगों को कैडेट बना करके उनके लिए जीवन जीना और पैसे कमाने का एक नया स्रोत दे रहे हैं। ये स्रोत कैसा है, कैसे है, ये समझ में नहीं आया मुझे। अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो काम कराया जा रहा है, अगर आपने एक टर्म सुना होगा फ्री लांसिंग, यानी आपको जो काम मिलता है वो करते हो और फिर उसको उसका पेमेंट आपको मिलता है, कुछ इस तरह का ही काम करा रही है सीएससी। तो यहाँ पे आपको क्या सीएससी ये गारंटी दे सकती है कि आप 15,000 रुपये पर महीना कमा लोगे या फिर 10,000 रुपये पर महीना कमा लोगे? नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रही है। आप जितना काम करोगे आपको उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो लेबर भी जितना काम करता है उसको भी उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं, एक ऑफिस में बैठने वाला एम्प्लॉय भी जितना काम करता है उसकी भी फिक्स्ड सैलरी होती है, उसको भी उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो फिर सीएससी ऐसा क्या कर रही है और फिर अपना कॉलर क्यों इतना ऊंचा करके घूम रही है ये कहते हुए कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देने वाले हैं, उनके लिए रोज़गार लाने वाले हैं। रिसेंटली जो वीडियो आई थी सीएससी की, मैंने वो बहुत ही गौर से देखा और अगर आपने देखा होगा तो उसमें ये बार बार कहा जा रहा है कि इससे सीएससी को फ़ायदा होगा, क्योंकि पैन कार्ड भी बनेंगे सीएससी के, इसके बाद लोन के लिए लीड्स भी मिलेगी सीएससी को। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखना, आखिरी के जो 3-4 मिनट है उसमें बहुत क्लियर किया गया है कि इसमें फ़ायदा सिर्फ सीएससी को है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कैडेट की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए या फिर आप वीएलई लोग या फिर जिनके पास सीएससी सेंटर है वो कैडेट्स की नियुक्ति ना करें। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं वो गलत है।
आप फैक्ट्स बताइए कि इससे आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, और उसके अलावा आप अगर सोच रहे हैं कि पूरा रोजगार मिलेगा इन कैडेट्स को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें एक और नियम है कि आप अपने घर वालों को नहीं इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये नियम क्यों रखा गया है पता नहीं। अगर मेरा कोई भाई है, मेरा कोई भतीजा है और उनको काम की ज़रूरत है, तो मैं उनको रोज़गार क्यों नहीं दे सकता हूँ? इस सवाल को का जवाब नहीं है किसी के पास भी। सीएससी ने कुछ नियम बना दिए हैं और उसकी बस वाहवाही चल रही है कि अब 20,000 लोगों की नियुक्ति होगी, अब 20,000 लोगों की नियुक्ति होगी, लेकिन जो सीरियस क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए वो कोई नहीं पूछ रहा है। अगर आपको लगता है कि मैंने सही बात कही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका क्या सोच है, आप क्या बोलना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।